जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ सीएपीएफ बाई से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो एसएसबी में जो स्टेनो का जो आपका स्किल टेस्ट चला हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता होगा 2023 में एसएसबी ने स्टेनो एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकाली थी, ठीक है, जिसके आपके फिजिकल हो चुके थे। फिजिकल के जस्ट बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था और रिटर्न एग्जामिनेशन के जस्ट बाद अभी आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और आपका जो स्किल टेस्ट है वो अभी प्रोवाइड हो रहा है, मतलब स्किल टेस्ट आपका अभी चल रहा है, ठीक है, ऑन द वे है। तो दोस्तों, स्किल टेस्ट की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, ठीक है। किसी बच्चे से मैंने कंफर्म किया था कि कैसे कैसे आपका जो है स्किल टेस्ट हो रहा है, तो वो सारी प्रक्रिया यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें यह भी बताऊंगा कि स्किल टेस्ट के बाद क्या आपका मेडिकल भी हो रहा है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज भी मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। तो मेडिकल आपका दोस्तों होने वाला नहीं है अभी, उसका जो डेट है, जो भी पास हो जाता है वो उसका डेट आगे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं स्टेनो की प्रोसेस बता देता हूं। जैसे दोस्तों, मॉर्निंग आपका टाइम होगा जो भी है 7-1 बजे का, जो भी है आपको समय दिया होगा। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है कि 2-3 घंटे मतलब बच्चे को, और मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, तो वहां पे जो बच्चे बुलाए जा रहे हैं 20 स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं, 20 जो कैंडिडेट है वो बुलाए जा रहे हैं, 20 कैंडिडेटों को दोस्तों बुलाया जा रहा है और लगभग 10 से 12 बच्चे वहां पर मतलब क्या है प्रेजेंट हो रहे हैं। और दोस्तों, जब तक मतलब पूरे प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनका इंतजार किया जाता है, अगर पूरे बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनका इंतजार नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 घंटे वेट भी किया जा रहा है, ठीक है। 2-3 घंटे वेट करने के बाद बच्चों को अंदर लिया जा रहा है और उनका एडमिट कार्ड वगैरह देखा जा रहा है। एडमिट कार्ड के बाद उनको अंदर ले जाया जा रहा है रूम में, ठीक है, जो भी कंप्यूटर रूम वगैरह है, ठीक है, वहां पे उनको ले जाया जा रहा है सारी जांच को, सारी जांच वगैरह एग्जामिन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उनको एक जो है कंप्यूटर वाले रूम में बैठा के उनको जो भी है वहां के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो जो उनको एक कंप्यूटर के सामने बैठा रहे हैं जहां पे 20 सीट्स है, मतलब 20 को बुलाया गया है तो 20 ही सीट वहां पे मतलब प्रोवाइडेड है, ठीक है। और वहां पे 10-11 बच्चे पहुंच रहे हैं अभी, ठीक है, किसी में ये भी है 15 भी पहुंच जाते हैं, किसी में मतलब कम भी पहुंचते हैं। तो इस टाइप से ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सबसे पहले वॉइस का, वहां पे वॉइस का क्लियरेंस कर रहे हैं आपका, ठीक है, वॉइस का क्लियरेंस कर रहे हैं कि भाई देखिए कि वॉइस आपके पास तक पहुंच रही है, ठीक है। वहां पे क्या है, पंखे वगैरह को बंद कर दिया जा रहा है जब मैटर आपको बुलवाया जाता है, मतलब अभी आपको दोस्तों वहां पे मैटर के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। मैटर के लिए दोस्तों आपको समय मतलब 10-11 बजे तैयार किया जाएगा, ठीक है। वहां पे दोस्तों एक मिनट के लिए आपको एक डेमो होगा, ठीक है, मैटर से रिलेटेड, ठीक है। आपको एक जो है A4 साइज पेपर वो दे देंगे और एक आपको पेन दे देंगे, ठीक है। तो वहां पे वो स्पीक करेंगे, ठीक है, अपना जो मैटर है वो उसको स्पीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वो मैटर जो भी है शॉर्ट में टाइप कर मतलब लिखना है पहले, ठीक है। तो 10 मिनट तक वो आपका जो है मैटर बोलेंगे और वहां पे जो स्पीड रहने वाली है 80 वर्ड पर मिनट की रहने वाली है, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट में आपको वो मैटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 से 5 मिनट आपको वो दे रहे हैं चेक करने में, ठीक है। जैसे 10 मिनट का उन्होंने मैटर बोल दिया, ठीक है, पहले तो 1 मिनट का जो डेमो था वहां पे देख रहे हैं कि आपको जो मैटर है इस हिसाब से, इस स्पीड से बोला जाएगा, ठीक है, और आपको क्या वॉइस क्लियर है हमारी, तो हाँ क्लियर है, ठीक है। 1 मिनट बाद दोस्तों फिर उनका जो कंप्यूटर पे रोल नंबर वगैरह है सारा चीज, जो स्क्रिप्ट वगैरह जो भी मंगल स्क्रिप्ट वगैरह है, ठीक है, जिस चीज से करना चाहते हैं, ठीक है, उनको वहां पे बैठा दिया जा रहा है, ठीक है, उनका मतलब फिल कर दिया जा रहा है। उसके बाद जैसे वो 10 मिनट का वो बोल रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, ठीक है, उसको बोलने के बाद उनको 2 से 5 मिनट दे रहे हैं कि भाई आप अपना मैटर चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई और जस्टिफिकेशन करना है उसमें, कुछ और वेरिफिकेशन मतलब क्लियरेंस मतलब कुछ भी चीजें करनी है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। और दोस्तों जो मैटर आ रहा है, मैटर मैं बता देता हूँ, जो हिंदी में मैटर आ रहा है बच्चे बता रहे हैं कि जैसे स्वच्छता अभियान के बारे में, ठीक है, या कोई गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर रामधारी पार्ट 1, ठीक है, रामधारी सिंह की जो भी है वो कविता मतलब जीवनी वीवनी या जो भी है इस टाइप से रिलेटेड मतलब चीजें आपकी आ रही हैं। बाकी दोस्तों इंग्लिश का तो मैंने पहले बता ही दिया था कि जो भी है लीगल नोटिस से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, लीगल नोटिस से रिलेटेड। और दोस्तों आपके जो जो डिस्क्रिप्टिव है एसपी बख्शी की जो बुक है,
ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर लेना। और बाकी दोस्तों न्यूज़पेपर वगैरह भी आप देख लेना, न्यूज़पेपर से भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो उस टाइप का आपका जो है मैटर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैटर के बारे में आपको समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा हिंदी और इंग्लिश के बारे में। बाकी इंग्लिश का एसपी बक्सी की जो बुक है उससे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है या किसी और में रिफॉर्म्स है या जो भी है उससे रिलेटेड चीजें, मतलब जो मैटर है आपका आने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैटर आपका अगर हो जाता है तो आपको एक कंप्यूटर पे, उसी कंप्यूटर पे बोला जाएगा कि भाई आप इस मैटर को आप टाइप कीजिए और 65 मिनट आपको दिए जाएंगे वहां पर। ठीक है, 65 मिनट आपको दिए जाएंगे और टाइप करने के लिए बोला जाएगा। तो जिस तरीके से आप टाइप करो, जल्दी करना है जल्दी कर दो, कोई बात नहीं। तो वहां पे दोस्तों उसके बाद आपको सारी जो प्रक्रिया हो जाएंगी उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा और एक टाइम दिया जाएगा कि जैसे आप 5 बजे आ जाना। ठीक है, जैसे अगर वहां पे आपको 12 या 1 बजे, जैसे 1 बजे आपके आप जैसे रिलीज हो गए, ठीक है, 1 बजे आप जैसे उस सेंटर से बाहर चले गए, खाना पीना खा लिया या जो भी कुछ कर लिया, उसके बाद आपको 5 बजे बुलाया जाएगा कि 5 बजे अपने रिजल्ट के लिए आ जाना। तो वहां पे दोस्तों रिजल्ट को बोला जाएगा जहां पे, एनक्यू और क्यू मतलब नॉट क्वालिफाइड या क्वालिफाइड लिखा रहेगा, और वहां पे आपको सिग्नेचर भी कराया जाएगा। ठीक है, वहां पे बच्चों को पता लग जाएगा कि भाई मैं क्वालिफाइंग हूं वहां पे या नॉट क्वालिफाइंग हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो वहां की जो अगली प्रोसेस है आपकी जो मेडिकल वगैरह की या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो ये प्रक्रिया आपकी जो अगली रहने वाली है, उनको बोला गया है कि आपको जो है साइट वगैरह पे बता दिया जाएगा या जो भी है मेडिकल फिर दोबारा से आपका जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को देखते हुए देखा जा रहा है कि जो मेडिकल है आपके वो बाद में होने वाले हैं। ठीक है, तो मेडिकल वगैरह से रिलेटेड शायद अलग से उनका एडमिट कार्ड जारी होगा या फिर कोई लिस्ट आएगी जहां उनको डेट वाइज, तो वो उनको लेकर जाना, वहां पे आपको चीजें करानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है दोस्तों स्टेनो की एएसआई, स्टेनो की स्क्रिप्ट टेस्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दें जिससे हम मोटिवेटेड होकर आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाते रहे। बाकी दोस्तों एसएसबी एससीएम से रिलेटेड मैंने एक बैच बनाया है, मैथ्स का मैंने एक बैच बनाया है दोस्तों एसएसबी एससीएम से रिलेटेड, तो वहां पर आप जो अभी है नंबर सिस्टम चला हुआ है, ठीक है, और मैं लाइव आता हूँ नाइट में कभी, और आज तो खैर आज मैं लाइव आऊंगा, तो आपको वो बैच है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उस वीडियोस को देखें, ठीक है, आपका जो एसएसबी एससीएम किस टाइप का आएगा वो भी है, मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो ये मेनली मैंने मतलब गरीब जो भी बच्चे हैं उनके लिए रखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आपके लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।